ओम नमः शिवाय। तो भाई क्या हाल चाल आप लोगों के, आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो अपकमिंग है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए हो गई है इस समय पर क्योंकि उसकी एक डेट रिलीज की गई है टीज़र की, कि कुछ ही दिनों में उसका टीज़र आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार उस मूवी का नाम क्या है। तो भैया प्रभास की अपकमिंग मूवी है, ये आपको सभी को मालूम है। प्रभास को जो नाम देने वाली मूवी थी जिसका नाम था बाहुबली, बाहुबली 1 और बाहुबली 2, उसके बाद की जो उनकी मूवी आई साहो, उसके बाद राधेश्याम, दोनों की दोनों अच्छा काम नहीं कर पाई। तो अभी भी लोग प्रभास को सिर्फ बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो अब जो है उनका इतिहास और उनका नाम दोनों को, दोनों चीज़ों को बदलने के लिए एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है आदि पुरुष। ये हमारे भगवान श्री राम पर आधारित पूरी की पूरी फिल्म रहने वाली है और वहीं से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया है। अब बस देखने वाली बात यही होगी कि इसके अंदर ये कुछ क्या नया देने वाले हैं, या फिर हमारे पुरानी चीज को हमें दिया जाएगा, या फिर उसमें कुछ हल्के हल्के नए नए जमाने के चेंज करके हमें वो पेश किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा मेकर से, जो कि इसके ओम राउत जी हैं जिन्होंने तानाजी जैसी शानदार मूवी बनाई थी, उनसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी को बना रहे हैं, बना क्या रहे हैं, आपने तो मूवी बना ली है, लेकिन सिर्फ इतनी ही राय फिर भी मैं देना चाहूंगा कि अगर आपने मूवी बना भी ली है, अगर वो मूवी हमारे धर्म पर, हमारे सनातन धर्म की एक पहचान नहीं प्रदर्शित करती है, तो ये मूवी अच्छी खासी चलेगी। लेकिन अगर आपने इसमें ऐसे कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिसके वजह से किसी धर्म को आहत पहुंचेगी, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो कि अच्छे नहीं लगे लोगों को, तो आपका इतना बड़ा बजट कहीं बेकार ना चला जाए। लेकिन आई होप, मैं तो सिर्फ इतना ही सोचूंगा, इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये मूवी सुपरहिट जाए, क्योंकि सबको इंतजार रहता है प्रभास की मूवी का। अब मुझे जो ये लगता है कि इस मूवी की वजह से हमारे प्रभास का नाम बदलने वाला है। क्यों? उसका कारण यह है कि पहले बाहुबली उनका नाम पड़ा एक ऐसी मूवी की वजह से जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुई, और ये आदि पुरुष जो है उससे बहुत ज्यादा बड़े बजट में बन रही है। लगभग 500 करोड़ के प्लस बजट में ये मूवी बनने जा रही है, तो इसके अंदर स्टार कास्ट भी ऐसी ही ली गई है। साथ ही साथ मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा इसके डायरेक्टर साहब से कि आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चूज किया। उन लोगों को बहुत समय से ऐसी शानदार मूवी का इंतजार भी था। और मैं अब इतना बता दूं आपको, इसके जो डायरेक्टर हैं वो आप सभी को बता चुका हूँ, ओम राउत जी हैं जिन्होंने तानाजी जैसी सुपरहिट मूवी दी थी, और आप लगा लीजिए जिन्होंने इतना शानदार काम उस फिल्म के अंदर करके दिखाया है, तो ये तो उसका कई गुना ज़्यादा बजट की मूवी है, तो उसके अंदर भी शानदार काम मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें इस मूवी के VFX की, तो VFX उस कंपनी को काम दिया गया है जिसने अवतार के अंदर, ब्रह्मास्त्र के अंदर, RR के अंदर, बाहुबली के अंदर, इन सभी के अंदर शानदार VFX दिए हुए हैं। तो उम्मीद यही है कि इसके अंदर भी शानदार VFX ही मिलने वाले हैं। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो बाहुबली के अंदर VFX यूज हुए थे उससे 3 गुना ज्यादा VFX इस मूवी के अंदर यूज किए गए हैं। तो VFX के मामले में तो ये किसी को भी टक्कर दे दे, कोई भी मूवी आप उसके सामने ले आइए। बात करते हैं आप ब्रह्मास्त्र की, तो ब्रह्मास्त्र के अंदर जो VFX यूज किए गए हैं, सुनने में आ रहा है कि उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर VFX आपको आदि पुरुष के अंदर मिलने वाले हैं। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। बाकी इसकी अगर स्टार कास्ट की बात करूँ, भगवान श्री राम जी का किरदार निभाने वाले हैं प्रभास, और उनके छोटे भाई जो हमारे लक्ष्मण जी हैं उनका किरदार निभाने वाले हैं सनी सिंह जी, और जो हमारे राम भगवान जी की पत्नी है सीता जी, उनका किरदार निभाने वाली है कृति सेनन, और सबसे बड़ा किरदार जो निभाने वाले हैं जो कि हमारे पवन पुत्र हनुमान जी का किरदार होगा, वो देवदत्त नागेश जी निभाने वाले हैं। बस लोगों को यही इंतजार है कि ये देवदत्त नागेश जी का जो किरदार दिया गया हनुमान जी का, ये एक शानदार तरीके से निभाएं ताकि लोगों को भी अच्छे तरीके से चीजों को देखने का मजा आए। लेकिन अब ये चीज पता कैसे चलेगी, तो इसी के लिए आपको ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के विलन की। तो आप सभी को मालूम है रामायण के अंदर रामायण का जो जितना भी युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, तो वो हुआ रावण की वजह से। तो इसके अंदर रावण का रोल कौन निभाने वाले हैं, तो वो निभाने वाले हैं सैफ अली खान जी। बाकी तो अब देखना यही होगा कि ये मूवी कितना शानदार काम करती है। अब इस जो मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, इसका जो मेन औचित्य है वो ये है कि ये जो है अनाउंस कर दिया गया है 3 अक्टूबर को इसका टीजर रिलीज कर दिया जाएगा, और वो भी अयोध्या के अंदर। तो भाई साहब ज्यादा लंबा समय नहीं है, उम्मीद यही है, रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है कि 3 तारीख को इसका टीजर आने वाला है, और जल्द ही इसका ट्रेलर भी रिलीज करने की उम्मीद लगाई जा रही है। और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि 12 जनवरी 2023 को ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी थिएटर्स के अंदर। 3D के अंदर फिल्म तो आनी है, सिंपल सी बात है, और इस मूवी को देखने का मजा IMAX के अंदर ही मिलने वाला है। बाकी तो अब प्रभास जी से यही उम्मीद है कि एक अच्छी मूवी ही बनाई होगी, और डायरेक्टर साहब से भी यही उम्मीद है।
अच्छा काम किया होगा और मैं तो इंतजार में हूँ कि ये जो मूवी है कितना बड़ा इतिहास रचने वाली है। मेरी उम्मीद 1000 से 1500 करोड़ से कम, इससे कम कलेक्शन तो बनता ही नहीं बॉस, इससे ज्यादा का कलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। तो बस भाई इतनी ही जानकारी देनी थी आपको। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चारों तरफ फैला दो इसे। और मैं आपको ऐसे ही मसाले लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।